अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तकरीम रहमान और आपको अपना सोना पंजाब में एक बार फिर खुशामदीद कहता हूं। तो आज मैं आया हूं जी जहां पे हमारे गांव के साथ नहर बन रही है, वहां पे जो है ना वो पहाड़ी पानी को गुजरने के लिए जहां से पुल बनाया जा रहा है वहां वो आपको सारा दिखाऊंगा। दूसरी तरफ आप ये जो वीडियो है ना ये मुकम्मल होने वाली है हमारे गाँव में जितना भी नहर का काम हो रहा है उसके ऊपर, और साथ ही साथ नहर की खुदाई कहाँ तक पहुँची है, साथ ही साथ हमारे जो मेन जेलम से जो है ना लीला जेलम रोड है उसके साथ नहर का कितना लिंक हो चुका है वो सब आपको दिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दूसरी बात, किस चैनल पर नए हैं लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और साथ साथ पुरानी वीडियोस को भी देखें, आपको बहुत खुशी होगी पुरानी वीडियोस को देख के, और इस वीडियो को भी लाइक ज़रूर करना है। ये जी ये हमारी ज़मीनें हैं, तो इनमें अभी तो दरख्त काफ़ी बड़े हो गए हैं, तो अभी इनकी कटाई कुछ दिनों में करवानी है। तो ये हमारी ज़मीन है, इससे ज़्यादा दूर नहीं है वो जो ये, अच्छा ये वो जगह है जहाँ से पानी आता है पहाड़ी से, तो हम तो इसे पंजाबी ज़बान में जो है ना वो कौड़ी वाणी कहते हैं, ठीक है ना, मतलब जहाँ से पानी का फ्लो होता है उसको वाण कहा जाता है हमारी ज़बान में पंजाबी में। तो अभी देखते हैं कि आपको ये यहाँ से पानी आता है, पीछे सारा पहाड़ी के ऊपर पहाड़ी है, पहाड़ी से जब भी बारिश होती है पानी आता है, तो नहर ने जब यहाँ से गुजरना है तो इस पानी को गुजरने के लिए भी रास्ता चाहिए, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे ये जो सारा पानी आगे जा रहा है इस पानी को गुजरने के लिए वहाँ सामने जो है ना वो मुकम्मल पुल बनाया जा रहा है। तो वो पुल आपको अभी दिखाते हैं थोड़ी देर में। वी आर ऑलमोस्ट देयर, हम तकरीबन पहुंचने वाले हैं। ये है जी वो साइड जहाँ पे काम हो रहा है, आप सामने देख सकते हैं कि काफ़ी तेज़ से काम चल रहा है। तकरीबन एक महीना पहले यहाँ पे जो है उन्होंने स्टार्ट किया था, और अभी इसकी कितना बड़ा पुल बनेगा, इसके नीचे से कितना ज़्यादा पानी गुजरेगा ये आप सामने देख सकते हैं। ऊपर जो जहाँ पे वो लड़के बैठे हुए हैं वहाँ पर उन्होंने ऊपर से मुकम्मल इसको करना है। इसके तकरीबन तीन छः और छः 12 जो है ना इसके बनेंगे, नीचे से गुजरने के लिए रास्ता बनाया जाएगा 12 जगह से पानी का, ताकि जितना भी ज़्यादा पहाड़ी पानी आ जाए तो इसको कोई नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि ये जो नहर होनी है ये दोनों तरफ से कच्ची होनी है, और नीचे से भी ये नहर क्या होगी कच्ची होगी। तो ये नहर ना नीचे से पक्की होगी ना साइडों से पक्की की जाएगी, ये नहर ऊपर से और साइडें इसकी सारी जो है ना वो कच्ची नहर की होंगी जैसे बाकी नहरें होती हैं। तो ये पुल इन्होंने इसलिए बनाया कि ये थोड़ा मजबूत होता कि पानी आ भी जाए तो कोई नुकसान ना हो। यहाँ पे एक्सीवेटर यहाँ से जो है ना वो मट्टी निकालने का काम कर रहा है, और साथ ही साथ ये ऊपर इन्होंने अभी कुछ दिनों तक इसको ऊपर वाला छत बना देना है, दो हिस्सों का बना दिया है, तीसरा हिस्सा जारी है और नेक्स्ट इसका काम अगली तरफ वो करेंगे। तो एक्सीवेटर जो है ना वो काफ़ी यहाँ से देर मैं बनाता रहा वीडियो इसकी, ये भी साथ साथ मट्टी डालता जा रहा है इसमें, यहाँ से ये मुकम्मल सफाई करेंगे और अब ये पानी का आने का जो है ना वो रास्ता बनाएंगे, ताकि जब भी बारिश हो तो पहाड़ी पानी जो है वो पीछे ना रुके, वो इस वजह से गुजर जाए। तो लेकिन ये पहले इसको मुकम्मल करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ऊपर से नहर इसके ऊपर से गुजरनी है, ये नीचे रास्ते बने होंगे जो ताकि पानी इनमें से गुजर के दूसरी तरफ जा सके, और साथ ही साथ पहाड़ से जितना भी पानी आए तो इसके गुजरने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने रास्ता रखा है।
लफ्ज़े इंजीनियर। ये जो सामने मशीन खड़ी है, मुझे तो उसका नाम नहीं पता। मेरे ख्याल में तो ये जो है ना वो बोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सामने इसका जो मटेरियल लगा हुआ है मुझे तो उसी से अंदाज़ा हुआ है, लेकिन आप में से अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और साथ ही साथ वीडियो में जो है ना आप देखते रहें, अभी भी देख रहे हैं और आगे भी देखते रहिएगा, और साथ लाजमी बताना कि यह वीडियो आपको कैसी लगी है। ना खुदा बन के उमड़ते हुए तूफानों में, ना खुदा बन के उमड़ते हुए तूफानों में, ये वो सारी सारा एरिया है जहाँ पे जो है ना अत्थर के अंदर कैंप लगा हुआ है। आप सामने इनकी मशीनरी, इनका मटेरियल सब कुछ देख सकते हैं। पिछली दफ़ा तो मैं ये दिखा नहीं सका था जो हमारा जो है ना मुकम्मल था इसमें, तो लेकिन इस दफ़ा मैंने कहा है कि आपको मुकम्मल दिखाऊंगा अंदर से। मेरे यहाँ से बहुत सारे अच्छे दोस्तों से बातचीत भी हुई है, तो जो यहाँ पे काम वगैरह कर रहे हैं, और उन्होंने कहा है यार बहुत अच्छी बात है कि आप जो है ना इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, और हमारा काम ही यही है कि अच्छी चीज़ों को प्रमोट करना। हमारे गांव में ये चीज़ बन रही है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो 3-4 साल है उनमें हमारे गांव में काफ़ी तरक्की होगी। एक तो नहर गुजर रही है, साथ ही साथ हमारा जो मेन जो है ना वो डुअल कैरिज रोड बन रहा है लिल्ला से लेकर जेलम तक, जो एक तो लिल्ला इंटरचेंज को जो है ना वो पूरे पाकिस्तान से जोड़ रहा है, और दूसरी तरफ जेलम और कश्मीर तक जो है ना वो सारी चीज़ें आपस में लिंक हो जाएंगी। तो यहाँ पे मेरी एक दोस्त है, काफ़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है, अभी उनका भी दिखाते हैं आपको। तो ये सामने उनका मटेरियल है जहाँ पे जो है ना वो सामान रखते हैं, और यहाँ पर इनकी गाड़ियाँ वगैरह हैं। तो साथ ही साथ आपको ये बताते चलें कि सामने आपको घर नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पर उनकी रिहाइश है, यहाँ पर वो रहते हैं। और साथ ही यहाँ पे साथ एक दोस्त हमारा बहुत अच्छी चीज़ें बना रहा था, और ये उनकी मटेरियल है। ये हमारे अपने गांव के नाई आए हुए हैं जी, इनकी कटिंग वगैरह करने, ये तो खुद जा नहीं सकते, तो इसलिए उन्होंने इनको बुला लिया कि आप हमारे पास आ जाएं। तो वो मेरा दोस्त जो था इधर, वो शर्मा रहा था कि मेरी जो है ना गर्लफ्रेंड देखेगी तो वो कहेगी कि पता नहीं ये इसने तो मुझे बताया मैं यहाँ काम करता हूँ वहाँ काम करता हूँ बड़ी अच्छी जगह काम करता हूँ, लेकिन मैं सामने कैमरे के नहीं आ सकता। तो आप लोगों से भी कहता हूँ कि जो बात हो सच बताया करें, बताते कुछ और हैं और करते आगे से कुछ और हैं, तो ऐसी काम ना किया करें जिससे बाद में पछताना पड़े। तो बहरहाल इनका सेटअप जो है ना वो आप लोगों ने देख लिया है, बहुत ही अच्छा सेटअप है। और साथ ही साथ ये बताता चलूं कि यहाँ पे जो है ना हमारे गांव में साथ जो गांव के साथ ही इन्होंने बनाया है, बिल्कुल ज़्यादा दूर नहीं है, ताकि इनको कुछ चीज़ लेनी भी हो तो वो ईज़िली यहाँ से अवेल कर सके। और अभी जो ये सामने पुल बन रहा है उसकी भी आपको दिखाता हूँ फुटेज, कि उस पुल के बारे में बताऊँगा कि वो सामने हमारा जो मेन रोड है जो हमारे साथ वाले गाँव को मिलाता है, तो वहाँ पर बहुत बड़ा पुल बनेगा जिसके नीचे से नहर ने गुजरना है। तो अभी उसका हाफ बन चुका है और हाफ वो साथ साथ बना रहे हैं। ये सामने उनके घर है, आप इनको भी देखिए, ये दोस्त सामने मेरा जो है चीज़ें बना रहा था, हो सकता है कि बाहर भी देखें। अच्छा, ये इसको एक्सपेंड करने वाले हैं, ये जो बन रही है इसको मतलब बढ़ाने वाले आगे इस तरफ। बेहतरीन, मैंने ये साथ वाले गांव से अत्थर से,
इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो का अख्ताम करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाजमी लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह अगला पार्ट, ये जो पीछे आप देख रहे हैं खुदाई, ये कहाँ तक हो चुकी है और इसमें कौन कौन सी किस जगह पे क्या हो रहा है, वो अगला पार्ट उसके बारे में होगा और वो मुकम्मल आपको बताया जाएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।